हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हो टेक के पी चैनल और मेरा नाम है कुंदन। तो दोस्तों, आज हम करेंगे रेडमी नोट 7 की ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। देखेंगे ये कौन से सीमेंट की बनी और कितना मजबूत है। तो स्मार्टफोन कहाँ है? सॉरी, मुझे ही लाना पड़ेगा। आ गया, ये रहा है नोट 7 प्रो। चलते इसके ड्यूरेबिलिटी टेस्ट कर लेते हैं कि कौन सा सीमेंट का ये बना हुआ है। शाओमी कंपनी ने टेक्निकल गुरुजी को अपना रिव्यू यूनिट भेजा था रेडमी नोट 7 प्रो का, ताकि वो चेक कर सके कि रेडमी नोट का जो कि कितना ड्यूरेबिलिटी है और कितना अच्छा है स्मार्टफोन है, और उनको कितना ड्यूरेबल है, कितने फीट से मतलब कितना मजबूत है। तो दोस्तों, टेक्निकल गुरुजी ने टेस्ट करा थे, तभी उनको मतलब ड्यूरेबिलिटी टेस्ट जब आया, काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स बारे में बताया उन्होंने, काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स बताएं। और लेकिन जब उनके ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करने लगे, तब मतलब फ़ोन पे वो इतना ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं ना। जैसे कोई भी टेक्निकल यूट्यूबर होता है ना, तो उसको फ़ोन को जब भी वो मतलब ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करता है ना, तो फ़ोन को है ना कभी भी वो इस जगह पे बीच में रख के ही प्रेस करता है इस तरह से, ताकि दबाव जो भी है बीच पर ही दबाव पड़े, जिससे उसके स्क्रीन या ये साइड साइड में उसका कोई भी इफेक्ट ना पड़े। इसलिए वो हमेशा कभी भी प्रेस करता है तो ये बीच से ही करता है। लेकिन टेक्निकल गुरुजी ने क्या किया, मतलब फ़ोन को जो इस तरह है, इस तरह से उन्होंने ड्यूरेबिलिटी टेस्ट की, जिसके मतलब कह सकते हैं कि उनसे गलती हो गई होगी, या फिर पता नहीं है कौन सा रीज़न है, क्या क्या है वही जानेंगे। पर उनको ने उन्होंने ऐसी तरह से टेस्ट किया जिससे क्या हुआ, उसके ज़्यादा इफेक्ट पड़ा उनके साइड साइड पर, जिसके कारण वो फ़ोन टूटकर गिर गया। आप उनके चैनल पर जाकर देख सकते हो कि उनके मतलब ड्यूरेबिलिटी टेस्ट जो कर रहे थे वो किस तरह कर रहे थे। मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप जाकर खुद भी चेक कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो ऐसा कोई भी मतलब मैं उनका कोई नाम बदनाम या कोई भी ऐसा रोस्टिंग वगैरह नहीं कर रहा हूँ, पर मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि वो मतलब पता नहीं उनको गुस्सा आ गया था या क्या आ गया था, पता नहीं, वो ही जाने। लेकिन वो गलत तरह से ड्यूरेबिलिटी टेस्ट किए, जिसके कारण उनके फ़ोन को डैमेज हो गया, जिससे शाओमी कंपनी को देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि उससे ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में जब वो यूट्यूब चैनल पर वीडियोज़ देख रहे होंगे, जाके कई सारे यूज़र देख रहे होंगे जो रेडमी नोट 7 प्रो को लेने के लिए कोशिश मतलब सोच रहे होंगे, उनके मन में काफ़ी सारा इफेक्ट पड़ा होगा इस फ़ोन के ड्यूरेबिलिटी टेस्ट के बाद। दोस्तों, जितने बड़े यूट्यूबर हैं वो, तो उनके मतलब चैनल काफ़ी लाखों सारे फॉलोवर है, लाखों सब्सक्राइबर है, मतलब लगभग 11 मिलियन सब्सक्राइबर है, तो उनसे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा शाओमी कंपनी को। मतलब शाओमी को बोल सकते हैं एक तरह का मतलब कचड़ा कर दिया शाओमी कंपनी के रेडमी नोट 7 प्रो को लॉन्च होने से पहले ही। ओके दोस्तों, ऐसा कोई भी मैंने ये वीडियो बनाया, कोई भी ऐसा रोस्टिंग, कोई ऐसा बस कॉमेडी पर्पज़ से ही वीडियो क्रिएट किया हूँ। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बगल वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में।